तो क्या डर गई है बीजेपी? अधिवेशन पर अड़ंगा डालने का सेंट्रल एजेंसी सियासी पैतरे दिखा रही है? अधिवेशन पर खरल डालने का मकसद ही कहीं पवन खेड़ा की गिरफ्तारी तो नहीं? यह सवाल सियासी गलियारों में बहुत तेजी के साथ कौंध रहे हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही कि अगर डर नहीं होता फिर अधिवेशन के ठीक पहले एजेंसी इतनी अटैकिंग मोड पर क्यों आती? फ्लाइट से पवन खेड़ा को उतारकर आखिर क्यों गिरफ्तारी होती? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर काफी हद तक स्थिति साफ की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है कि क्या पवन खेड़ा का बयान इतना बड़ा था कि उन्हें फ्लाइट से उतारने की नौबत आ गई? महाधिवेशन के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार करने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? यह डर नहीं था तो और क्या था? ऐसे देखा जाए तो सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ऐसी तीखी बयानबाजी इसके पहले भी होती रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो अपने बयान में यह भी कह दिया कि उन्हें कुत्ता बिल्ली राक्षस पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, तो फिर पवन खेड़ा के बयान को इतना गंभीर अपराध मानकर कार्रवाई क्यों की गई? हालांकि मकसद कांग्रेस की तरफ से भी साफ इशारा कर रहा है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी ही। अब यह प्रतिक्रिया क्या होगी, किस तरह की होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ कांग्रेस के तल्ख तेवर तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से मिली पवन खेड़ा को अंतरिम राहत, यह बताती है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी में पुलिस ने कहीं न कहीं जल्दबाजी दिखाई बल्कि कोरम भी पूरा नहीं किया। जाहिर है कांग्रेसी से बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में जरूर बनाएंगे। पहली चली इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले हम दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायपुर में हो रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी उनसे बात करते हैं और फिर असम पुलिस की सिफारिश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर खबर मिल रही है कि असम पुलिस कोर्ट में पेश कर खेड़ा की ट्रांजिट रिमांड लेगी। बता दें कि पवन खेड़ा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। असम, उत्तर प्रदेश समेत कई जगह पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है, और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी है, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है, इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं, और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। एन अधिवेशन के पहले उन्हें रोका गया। एयरपोर्ट के रनवे पर यह वाकया चल रहा था। उधर कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अधिवेशन से डर गई है, तो वहीं बीजेपी देश में लोकतंत्र की बात कह रही है। क्रिश्चियनी बिल्ली खंबा नीचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाए। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, उनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस का भी आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं। मुझे लगता है कि लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। राजनीति में राजनीतिक मतभेद होते हैं। हमने तो देखा था मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब शीर्ष नेतृत्व में थे तो भारतीय जनता पार्टी का महाअधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने सबको भोज पे आमंत्रित किया था सीएम हाउस में। कांग्रेस इतना उदार और सदा सहायता का परिचय देती है, और छत्तीसगढ़ में हम महाअधिवेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पहले ईडी का छापा, अब हमारे नेता जो दिल्ली से आ रहे हैं उसको भी अगर दिल्ली के हवाई अड्डे पे आप डिटेन करोगे तो ये राजनीति किस स्तर पे जा रहा है, उसी के खिलाफ वहाँ प्रदर्शन और धरना जारी है। सुबह से हुए इस सियासी ड्रामे के बाद फिलहाल देर शाम सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने सुना, पवन खेड़ा पर बखेड़ा लगातार जारी है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शरद द्विवेदी जी मौजूद हैं, न्यूज हेड हैं बंसल न्यूज के। हमारे साथ गौरव शुक्ला हैं, विशेष संवाददाता हैं, और श्रीचंद सुंदरानी जो पूर्व विधायक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद जी के पास सबसे पहले चलता हूं। शरद जी, दिन भर जो गतिरोध हुआ छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक,
रायपुर में ईडी की रेड पड़ती है, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली में पवन खेड़ा की अरेस्टिंग होती है, रायपुर में उसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस पूरी कार्रवाई ईडी, पुलिस और कांग्रेस किस तरह से देखते हैं आप पूरी कार्रवाई को? देखिये, ये एक तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से जुड़ा मामला प्रतीत होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पवन खेड़ा जिस तरह से प्रधानमंत्री, और आरोप ये भी है कि असम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को लेकर भी कथित रूप से कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो सम्माननीय नहीं है बल्कि आपत्तिजनक है, और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी इसकी तस्दीक की है कि हाँ ये आपत्तिजनक है और वो उचित नहीं मानते हैं इसको। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ राजनीतिक दलों में जो एक सौहार्द है उसमें लगातार विश्वास और सौहार्द उसमें कमी आने का भी विषय है। ये पहली बात तो ये है कि आप राजनेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, ये पीड़ा आप बीते एक दशक में लगातार देख रहे होंगे आदित्य, कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं में ये भावना बढ़ती चली जा रही है कि आप जब राजनीतिक तौर पर शक्ति संपन्न होते हैं तो दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं, या परिवार को भी निशाने पर ले लिया जाता है, परिवार को लेकर टीका टिप्पणियां या लांछन लगाए जाते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो काफी आहत भी करती है और एक अलग किस्म की पॉलिटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स की तरफ भी ले जाती है। पिता पर टिप्पणी या परिवार पर टिप्पणी, ये हम सब सहमत होंगे, राजनीतिक दल भी सहमत होते हैं, होंगे ही, होना ही चाहिए, कि ये परिवार का विषय नहीं है, आप बात करिए, फिर कई बार भाषा का संयम समाप्त होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजनेता की गिनती आप अंडरवर्ल्ड से, या आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो हैबिचुएटेड क्रिमिनल्स हैं कि आप उनको इस तरह से पकड़िए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो या वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे अतीत की बात हो चाहे वर्तमान की बात हो। आप दो ढाई दशक पहले की राजनीति को देखेंगे तो वहां ये चीजें हमने नहीं देखी हैं, लेकिन इस पर रोक लगनी चाहिए दोनों तरफ से, दोनों के बीच में संवाद की कड़ी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत ब्रेक है। अगर खेड़ा साहब की गिरफ्तारी होती है दिल्ली से तो कांग्रेस के किस नेता का डेकोरम है कि वो तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री से बात करे? ऐसे संबंध होने चाहिए कि साहब ये अधिवेशन का विषय है, खामखा ये विषय तूल पकड़ेगा और मैसेज ये भी जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में कथित रूप से खलल पैदा करने की कोशिश है। मुझे लगता है सब समझते हैं, हम सब इंसान हैं, राजनेता भी मंगल ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, लेकिन ये संवाद की कड़ियां टूटी हैं और एक दूसरे पर आक्षेप लांछन की राजनीति बढ़ी है। जी आदित्य, बिल्कुल, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी भी जुड़े हुए हैं। श्रीचंद जी, सवाल उठना लाजमी है ईडी की कार्रवाई यहां पर, अब पवन खेड़ा मीडिया विभाग के चेयरमैन है भाई, कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तीन दिन बाद पुलिस पहुंच जाती, कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो होता नहीं सुंदरानी साहब? ऐसी उंगलियां, ऐसी कार्रवाई, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपके ऊपर, चार उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं। सुंदरानी साहब, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है ईडी का मिसयूज करने का, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस, असम पुलिस सब लगातार वहां पर पहुंच गई और राष्ट्रीय अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए आप इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं, सुंदरानी साहब क्या जवाब है आपके पास? आदरणीय शरद जी को भी मैं सुन रहा था। आदित्य जी, दो प्रकार की बातें इसमें से निकल के सामने आई है। पहला, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये बात कहना कि इतना बड़ा अपराध नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने की अपराध था। बड़ा अपराध या छोटा अपराध तय करना आपका, मेरा या भूपेश बघेल जी का विषय नहीं हो सकता, ये तो कोर्ट के जब बात चलेगी तब कोर्ट तय करेगा कि अपराध बड़ा था या छोटा था। दूसरी बात, ये हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को घेरने का काम करते हैं। असम सरकार या उत्तर प्रदेश में जहां भी एफआईआर दर्ज हुआ, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर और गंभीर टिप्पणी करने को लेकर, आदरणीय शरद जी भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि टिप्पणी की गई थी या गंभीर टिप्पणी थी, उसको लेकर अगर वहां पे एफआईआर दर्ज हुई और पवन खेड़ा जी के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे या न पहुंचे, इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या नफा क्या नुकसान हो सकता था?
क्या छत्तीसगढ़ की सरकार उनके नहीं आने। सुधीर साहब मैं आपके पास आऊंगा, अभय नारायण जी मेरे साथ जुड़ गए, मैं अभय नारायण जी के पास चलता हूं। अभय नारायण जी, फ्लाइट से उतारा गया उसका विरोध कर रही कांग्रेस, या फिर उसके बयान को प्रोटेक्ट भी कर रही जिस तरह से बयान पवन खेड़ा जी ने दिया है, क्योंकि उन्होंने जो पीएम के बारे में कहा है वह उचित है या नहीं, अब तक इसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई है। अभय जी मैं चाहूंगा इस पर भी प्रतिक्रिया दें कि बयान सही था या गलत था। आदित्य जी, आज जो घटनाक्रम घटा है दिल्ली में वो लोकतंत्र और संविधान के मानने वालों के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर मेरे खिलाफ FIR है तो उस थाने से नोटिस निकलेगी और मेरे घर तक आएगी। पवन खेड़ा जी चर्चित नाम है, पूरा देश जानता है, उनके घर का पता अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मालूम है। असम पुलिस को तो छोड़िए, आप दिल्ली आते उनके घर जाते, घर में उनसे नोटिस देते और वो थाने में हाजिर होते। आज जब वो अधिवेशन के लिए निकल रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, विमान में बैठ गए हैं, उसके बाद जाके आप कहते हैं कि आपका सामान का तकलीफ में बाहर आई है और फिर आप गिरफ्तार करने की बात करते हैं। ये संविधान का बात कहां से, ये कहां लोकतंत्र है? एक अधिवेशन को राहुल जी की यात्रा के बाद आप डरे, आज अधिवेशन से आप डर रहे हैं। आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, आप अपने आप को सिद्धांतों वाली पार्टी कहते हैं। 3-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा डालना, आज पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार करना और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में तो कानून को देखा गया होगा, क्या आधार था आपका? रामनाथ बयान का राष्ट्रीय नेता का बयान है, इसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बात कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, शरद जी मेरे साथ जुड़े हुए। शरद जी, अडानी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री के पिता के बारे में टिप्पणी वो करते हैं जिसको लेकर बवाल हुआ, किसी नेता पर बदले की कार्रवाई ये कांग्रेस कह रही है, मीडिया में तल्ख टिप्पणी इसके पहले भी हमने देखा है, सोनिया गांधी का नाम इटली से जोड़ा गया, राहुल गांधी के बारे में टिप्पणियां हुई, सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे समय में अरेस्टिंग का क्या पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ महाधिवेशन है, पहले से ही कांग्रेस आरोप लगा रही कि ईडी को साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा खेल खेल रही है, अब असम और दिल्ली की पुलिस दोनों मिलकर कहीं ना कहीं महाधिवेशन को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं मिलता दिख रहा है किसी पार्टी को। शरद जी देखिए, आप राजनीतिक तौर पर जब इतने शक्ति संपन्न हो जाते हैं कि आपको स्पर्श करना जनता की भावनाओं को इतनी बुरी तरह आहत करता है जैसे जननायक इस देश में रहे हैं और आज भी हैं, तो ये जरूर एक ऐसा विषय बनता है कि जब आप जनता की भावनाओं को आहत कर देते हैं और इतना बड़ा स्टालवर्ट दिग्गज नेता होता है कि वो देश की करोड़ों करोड़ जनता के मन और भावनाओं को छूता है और लोगों को लगता है कि ये बहुत गहरा अत्याचार हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये सारी घटनाएं, जैसा हमने देखा भी है कि जब इंदिरा गांधी जी का उनकी आतंकवादी हिंसा में उनकी हत्या हुई तो उसके बाद जिस तरह का एक देश में जनादेश और एक पक्ष और उस तरह की लहर उठी और कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिनकी निंदा भी हुई, जो रायट्स हुए, तमाम चीजें हुई, और इसी तरह जब राजीव गांधी जी का निधन हुआ तब भी हमने ये चीजें देखी, और इसी तरह से आप देखें कि जिस तरह से चाहे वो बीजेपी का बड़ा नेता हो या कांग्रेस का बड़ा नेता हो, लेकिन यहां मैं फिर मुद्दे पर आऊंगा, उसी मुद्दे पर आऊंगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय इसलिए है कि संवाद की कड़ी आप एक दूसरे को कोस सकते हैं, इसके लिए कांग्रेस बेचक कह सकती है कि सत्ताधारी दल का ये दायित्व अधिक है कि वो मुख्य विपक्षी दल के साथ कांग्रेस के साथ कम्युनिकेशन बनाकर रखे, लेकिन ये सारी चीजें देखिए, शिव खेड़ा जी अगर अधिवेशन में नहीं आते तो ना अधिवेशन रुक जाता, बल्कि कांग्रेस को मुझे लगता है अगर आप माइलेज की बात कर रहे हैं तो वो शिव खेड़ा जी के रुकने से अधिक मिलता, कि अगर वो नहीं आते नहीं आ पाते, अरेस्टिंग की बात हो जाती, लेकिन उनको जमानत मिलना ये भी बताता है कि बीजेपी आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों थी अगर ये सरकार की कार्रवाई इस पर जैसा आरोप कांग्रेस का है। लेकिन ये इतना बड़ा विषय नहीं था, मुझे याद आता है आदित्य जी कि जब अटल जी विदेश मंत्री थे और सदन में थे, नेहरू जी का पोर्ट्रेट जब सदन के गलियारे से हटता है तो वो पूछते हैं कि यहां नेहरू जी का पोर्ट्रेट था कहां गया, तो लोग कोई जवाब नहीं देते, लेकिन अगले दिन वो पोर्ट्रेट फिर लग जाता है सदन में। ये जो विश्वास है, मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को अतीत के गलियारों की तरफ देखना पड़ेगा और उन्हें यह समझना पड़ेगा कि चुनावी जीत हार अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ये वैमनस्य की फसल बो देंगे तो इसको इसकी फसल इतनी बुरी तरह काटी जाती है आगे कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। सर जी मेरे साथ गौरव भी जुड़े हुए, गौरव के साथ सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़े हुए। सुशील आनंद जी मेरा एक सवाल था, अब क्या आशंका क्या है, क्योंकि अगले एक डेढ़ दिनों में हो क्या सकता है, क्योंकि आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं ईडीआई, अब पवन खेड़ा की अरेस्टिंग और ये बयान जो आ रहे हैं सीएम की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मतलब साफ है अभी अधिवेशन कल है, क्या ऐसी कोई आशंका और भी है कि इसकी बड़ी कोई कार्रवाई आज और कल में हो सकती है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ? जी बिल्कुल आदित्य जी, मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से ही पूछता हूँ। पहले ईडी की कार्रवाई, फिर आज पवन जी खेड़ा जी के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तारी की गई, आगे आपको क्या लगता है, क्या कुछ और बड़ा घटना हो सकता है, कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए जिस प्रकार की हरकत इस देश की सत्तारूढ़ दल कर रही है उससे कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इन्होंने हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ईडी की रेड मारा है, इन्होंने ईडी की रेड में जब कुछ नहीं हासिल कर पाए तो हमारे नेताओं का अधिवेशन स्थल से आने से रोक रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये कायरता है, प्रधानमंत्री की का डर दिखाता है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने से भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल के सामने आएगी, कांग्रेस पार्टी का विजन जब देश की जनता के सामने आएगा तो उसके सामने ये बौने साबित हो जाएंगे, इसलिए नहीं चाहते कि अधिवेशन सही ढंग से हो। आखिर क्या कारण है, इस पवन खेड़ा जी की सिक्योरिटी चेक हो गई, पवन खेड़ा जी 3 लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद जाके विमान में बैठते हैं, उसके बाद अचानक उनको विमान छुटाते हैं, अदालत ने उनको अंतरिम जमानत दे दिया, जाने से रोक दिया। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसकी जमीन खिसकने वाली है। छत्तीसगढ़ में होता अधिवेशन, छत्तीसगढ़ का मॉडल देश दुनिया के सामने आएगा, छत्तीसगढ़ का गरीब न्याय का मॉडल देश दुनिया के सामने आएगा, इसलिए भी डरे हुए हैं, इसीलिए चाहते हैं अधिवेशन बाधित किया जाए, हमारे नेताओं के घर ईडी के छापे मरवाए जा रहे हैं, हमारे नेताओं को यहाँ आने से रोक। बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं पीएम को लेकर, अस्मिता का मुद्दा आप इस पूरे विषय को लेकर बना रहे हैं। अब तो पवन खेड़ा को कहीं ना कहीं जमानत मिल गई, मतलब साफ है देर रात तक वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, तो क्या यहां पर भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है पवन खेड़ा की, श्रीचंद सुंदरानी जी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध प्रदर्शन करेगी, यहाँ विरोध प्रदर्शन का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी के पिता के ऊपर उन्होंने स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी की वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, लेकिन FIR जो दर्ज हुई वो तो असम और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई है ना, और निश्चित रूप से उन्होंने जो टिप्पणी की है बड़ी अत्यधिक खराब टिप्पणी है, इस प्रकार की टिप्पणी राजनीति में नहीं होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री आज देश के सबके प्रधानमंत्री है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसका विरोध तो करेगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, उनके पिताजी पर टिप्पणी की है और हल्के शब्दों में टिप्पणी की है, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर बात है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जी सर जी, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं, और देवेंद्र यादव हैं जो वर्तमान विधायक हैं भिलाई से कांग्रेस के, आप इनसे सवाल लेना चाहे तो ले सकते हैं, कि मुद्दा बड़ा है, मुद्दा पॉलिटिकल ज्यादा होते जा रहा है, मुद्दा आपसी ज्यादा होते जा रहा है, व्यक्तिगत बातें इतनी ज्यादा सामने आ रही है और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार से हो रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आने वाले समय बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, सर जी सवाल लेना चाहे तो? बिल्कुल, देखिए सुंदरानी साहब बहुत ही संजीदा राजनेता है, यादव साहब युवा विधायक हैं, दोनों के सामने मेरा सवाल है। बशीर बद्र साहब जो इस समय क्या लंबे समय से, तो मध्य प्रदेश ही उनका दूसरा घर है, बीमार हैं, डिमेंशिया है उनको, लेकिन उनका एक शेर बड़ा मकबूल है कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। मैं फिर यही सवाल खड़ा करता हूं कि राजनीति में दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुंदरानी साहब भी ये चाहते हैं कि वो भी इस तरह की चीजों को लेकर एक आश्वस्ति भाव से राजनीति करें कि कल अपोजिशन में हो भले ही वो, तो उनके ऊपर कोई चिंता ना हो, और कांग्रेस भी ये चाहेगी कि कल वो अपोजिशन में हो तो घड़ी घड़ी उसको पुलिस प्रशासन न्यायालय के चक्कर ना लगाने पड़े। मैं फिर कहूंगा कि राजनेता कोई आदतन अपराधी नहीं है साहब, उनको उस कैटेगरी से हटाइए, और इसके लिए बड़े मन की बात होगी, और सुंदरानी जी अटल जी कहते भी थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा मन और इसकी सबसे बड़ी ये बड़े मन की जो गाड़ी है ये गुजरती है संवाद रूपी पुल से। एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर यादव जी की टिप्पणी लेंगे। नहीं शरद जी, निश्चित रूप से संवादहीनता की स्थिति पूरे देश में है, और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चाहे जहां भी सत्ता में विपक्ष में है,
समाज की इसका अभाव तो है। छत्तीसगढ़ में भी मैं देखता हूँ लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी बात कह रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके जेस्चर को। नहीं शरद जी, मैं क्योंकि मैंने ये बात लगातार चैनलों में कही है, कई बार ये बात उठती है कि 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं सब पहल करती है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की आवाज उठाती है। तो मैं इस बात को कहता हूँ कि एक समय था कि विपक्ष को सम्मानपूर्वक बुलाया जाता था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी बुलाते थे, उसके पहले भी मैंने देखा दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी। सुरानी साहब, मैं आपको बीच में रखूंगा। शरद जी, पहले देवेंद्र यादव जी से हम टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, अब वो वहीं पर मौजूद है। एक टिप्पणी पहले देवेंद्र यादव जी की ले लेते हैं। जी यादव जी। जी देवेंद्र जी। भूपेश बघेल। यादव जी, जी देवेंद्र यादव जी, आवाज आ रही है आपको? यादव जी अगर सुन पा रहे हो तो वो बिल्कुल सही है, आपका पॉलिटिकल जेस्चर जो है अपने नेता की जय जय और जिंदाबाद होना ही चाहिए। हमारा सवाल जो है वो अगर पहुंचा हो गौरव के जरिए या ईपी से लगता है, तब तक सुनरानी साहब आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि समाजहीनता नहीं होनी चाहिए राजनीतिक दलों में, और ये तो होना ही चाहिए कि अगर मुझ पे कोई पीड़ा है और सरकार कांग्रेस की है और मैं अगर जाके कोई बात रखूं तो अगर मेरी बात ठीक है, गलत नहीं है, मैं आप आरोपी नहीं हूं, अपराधी। लेकिन सुंदरानी साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आप भी बुलाइए, ये भी बुलाएं, 50% आप आगे बढ़े, 50% ये आगे बढ़े। निश्चित रूप से अब आपने जैसा शरद जी कहा है ना, अगर मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती, कहीं ना कहीं अच्छे दिनों की शुरुआत यहीं से होगी जो आज आपने यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपके इस पॉजिटिव जेस्चर के लिए। यादव साहब जी, सर सर हम भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सर यादव साहब, आप सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल यही है कि आखिर ये सिलसिला किस तरह से थमे, ये महत्वपूर्ण बात है। यादव साहब आप सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये सिलसिला कैसे थमे? जी मुझे लगता है कि जिंदाबाद के नारे इतने तेज हैं वहां। आदित्य जी नमस्कार। जी नमस्कार यादव साहब, बस यही हम आपसे जानना चाहते हैं। बशीर बद्र साहब के एक शेर की हमने बात की कि दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। सर ये कैसे खत्म हो ये सिलसिला? जी ये पीछे है ना, कैसे आएगी आवाज, इससे आएगी? चलिए चलिए, तो आवाज ही नहीं पहुंच रही है, पहुंचेगी आवाज, मीडिया की आवाज तो जरूर पहुंचनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर ये सिलसिला, ये कड़ी कैसे एक बेहतर राजनीतिक सौहार्द में तब्दील हो। मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर है कि बीजेपी के भी जो नेता हैं, आपको याद होगा सुंदरानी साहब कि पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति बीजेपी की मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आमंत्रित किया था और अटल जी और आडवाणी जी सहित तमाम बड़े नेता मिलने गए थे। अब ऐसा लगता है कि वो दौर हवा हो गया कि आज अगर अखिल भारतीय अधिवेशन है कांग्रेस का तो बीजेपी के टॉप लीडर भी वहां पहुंच जाएं अगर किसी भोज में उनको आमंत्रित किया जाता है, और इससे किसी का मान नहीं घटता है। जनता आपको आपकी मेरिट के हिसाब से ही चुनती है और चुनाव मेरिट के आधार पर ही होता है। जी सुंदरानी साहब। नहीं निश्चित रूप से मुझे याद है जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और सहित मध्य प्रदेश से हम लोग तब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और आमंत्रित करने गए थे। काश वो समय वापस आ जाए, मैं तो यही कहूंगा। मैं तो 1978-79 से राजनीति में हूँ, कई दौर मैंने देखे हैं 42-43 साल के राजनीतिक जीवन में। लेकिन ठीक है, आज के वक्त का भी हम देख रहे हैं कैसे राजनीति हो रही है, और पहले भी हमने देखा है। जी जी जी, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है आदित्य, और ये कल्पना देखिए, हम भी आप भले ही कहें कि ये एक आदर्शवादी सोच है, लेकिन अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा समाप्त करते हैं तो प्रधानमंत्री निवास में आमंत्रित हो, वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री के साथ चाय पिएं, प्रधानमंत्री पूछें कैसा अनुभव रहा आपका, और इसी तरह प्रधानमंत्री के परिवार या उनके ऐसे विषयों को लेकर जो बहुत संवेदनशील है उसको लेकर भी कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर, ये राहुल जी भी हो सकते हैं, सोनिया जी भी हो सकती हैं,
और तमाम दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं जो कहें कि हम क्षमा चाहते हैं अगर कुछ ऐसी टीका टिप्पणियां हो जाती हैं, आप इसको मन में मत लीजिए। यादव साहब आप मुझे सुन पा रहे हो, तो राजनीति में सौहार्द कैसे डेवलप हो अगर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतने प्रतिशोध में बदल जाएगी तो बड़ी कठिनाई होगी, और इसमें एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के बजाय दोनों अपनी भूमिकाओं का मूल्यांकन करें। जी यादव साहब जी, देखिए ऐसा है कि आज के समय जो दौर चल रहा है, ये दौर में चर्चा को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो लगातार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, और इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, तो हमें संवाद करना पड़ेगा। लेकिन ये लोगों के मुंह बंद करना चाहे, ये ठीक नहीं है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लगातार कार्रवाइयां हो रही है, जो है यादव साहब, लोकतंत्र की हत्या है कि माता पिता पर टिप्पणियां या परिवार को विषय को उसको भी बीच में नहीं लाना चाहिए। जी जी जी, देखिए देखिए, मिस्टेक तो बहुत सारी होती है, मैं भी बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज मुझे रिपीट हो रही है, तो हो सकता है कि मुझे कहते कहते कोई शब्द गलत हो जाए, लेकिन भावना की बात होती है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भावना दिखती है वो मेरे घर पे ईडी भेजती है, और जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए वो इस तरीके से हाथगंडे अपनाती है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए पुलिस फोर्स नहीं देती, तो ये क्या है भाई, ऐसे नहीं होता। हमें लगता है कि संवाद से देश की प्रगति हो सकती है, दबाव से नहीं हो सकती, और आप फोर्स नहीं कर सकते एक तरफ सोचने के लिए, आप संवाद कीजिए तो ठीक रहेगा। संवाद करें बस। सुंदरानी साहब, एक छोटा कमेंट आपका, फिर हम वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। जी सुंदरानी साहब, निश्चित रूप से शरद जी, संवाद को हमेशा स्थान दिया जाना चाहिए, संवाद होना चाहिए, संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है, संवाद को कोई नकार थोड़ी सकता है। लेकिन जैसी परिस्थितियां आज देश में निर्मित हुई है, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता पर अगर अपमानजनक टिप्पणी कोई करेगा तो निश्चित रूप से कई भावनाएं आहत होती है। चलिए जी, बड़ा बड़ा मन दिखाना होगा राजनेताओं को, बड़े मन के साथ सामने आना पड़ेगा। अगर ये सही बात है कि अगर तथाकथित रूप से ये आरोप सामने आएंगे कि आप अगर हमें परेशान करने के लिए कुछ चीजें करेंगे तो हम आपके निजी जीवन पर हमले करेंगे, तो इससे ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता और अगले लेवल पे जाएगी, जहां घृणा और प्रतिस्पर्धा का रंग और गहरा होगा, और इससे न राजनीति का भला होगा, न समाज का भला होगा, न जनता का भला होगा। आदित्य, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बिल्कुल, तो देखिए दोनों ही पक्षों को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, राहुल गांधी वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, दोनों ही को आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। देखिए सोचने वाली बात है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर कोई राजनीति में आती है क्या हम देकर जा रहे हैं, कहीं तो आदर्श स्थापित करना चाहिए, उसकी शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।